What is the difference of past tense and past perfect tense? Past indefinite में और past perfect tense में क्या फर्क है? Okay guys, good evening to all of you. Please connect होते रहिए सभी students. ज़्यादा ज़्यादा connect होते रहिए. आज हम समझने वाले हैं past perfect tense. Past perfect tense में बहुत ज़्यादा confusion रहता है. कहते हैं कि past indefinite लगाए या past perfect tense का use करें, had लगाए या did लगाए, क्या लगाना है? ये सारा जितना भी कन्फ्यूज़न है आज बिल्कुल 101% मैं आपको क्लियर कर दूंगा, एकदम ऐसा क्लैरिफाई करा दूंगा कि आप खुद भी पढ़ा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है. बट माय डियर फ्रेंड, यू विल हैव टू फोकस 101% दैट टाइम यू कैन टीच टू एवरीवन. बट सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि टॉपिक को कैसे क्लैरिफाई करना है और किस तरीके से सीखना है. इंग्लिश इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यू नो वेरी वेल, क्योंकि अगर हमें एक बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए तो उसके लिए इंग्लिश इट्स कंपलसरी फॉर अस. हमें इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा. और इंग्लिश भी कई तरह से बोलते हैं. कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश को ही सही नहीं बोल पाते, इंग्लिश कहते हैं, दैट इज़ नॉट इंग्लिश, दैट इज़ अ इंग्लिश. इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करें. प्रोनंसिएशन इट्स कंपलसरी. अगर हमारा प्रोनंसिएशन सही नहीं है तो भी मिस्टेक है. आई एम राइट और नो? तो चलिए प्लीज़, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हैड के ऊपर आज हम काम करेंगे. और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि डिड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, और पास्ट परफेक्ट का यूज़ कैसे और कहाँ पर करते हैं. क्लियर है गाइज? तो चलिए, आर यू हैप्पी और नॉट? अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, फोकस के साथ सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए. गाइज, ये जो सेटअप लगा हुआ है ना, जो आपको क्लास फ्री में दी जा रही है, इसके पीछे लाखों रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं. और आप सिर्फ एक लाइक नहीं कर सकते, इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, एक अच्छी सी कमेंट नहीं कर सकते, क्या इतना भी नहीं कर सकते? आप लोग प्लीज़ एक अच्छी सी कमेंट डालिए, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है. ये एक अच्छी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना भी आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप हैं, वहाँ पर शेयर कर दीजिए. क्योंकि जो हमारी इंटेंशन है वो है आवर टारगेट योर सक्सेस. ये हमारा स्लोगन भी है, आवर टारगेट योर सक्सेस. सो दैट्स वाई, अगर आप चाहते हैं कि मेरी कामयाबी के साथ साथ दूसरों को भी कामयाबी मिले, दूसरे भी सक्सेसफुल बन जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है. कम से भी कम यार इस वीडियो के ऊपर अभी स्टार्टिंग में 1000 लाइक तो कम से कम आप दे ही सकते हैं. 101% दे सकते हैं. अगर आपने ठान लिया है तो 101% दे सकते हैं. जो भी इस वीडियो को देखेगा सबसे पहले वो अपने ग्रुप में शेयर करेगा. चलिए करेंगे ना 101%. तो चलिए शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए. हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इन पास्ट परफेक्ट टेंस द मेन वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? V3 फॉर्म. जहां पर फॉर एग्जांपल स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो हम यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज करने वाले हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V3 फॉर्म, थर्ड फॉर्म. ओके, आगे देख लेते हैं. पास्ट कंप्लीटेड वर्क, पास्ट इंडेफिनेट में पास्ट कंप्लीटेड वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट कंप्लीटेड वर्क. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वो सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसका लिंक प्रेजेंट से हो. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी वाली वीडियो देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करना है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, अभी देख लेते हैं. पास्ट कंप्लीटेड वर्क बिफोर एंड अनदर एक्शन इन द पास्ट. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ वहाँ पर करते हैं जो पास्ट में दो काम फिनिश हुए, एक काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा काम भी कंप्लीट हो गया, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. आगे समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ. व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फ़र्क है? एक्शन इन दिस टेंस, ध्यान से समझिएगा. बिफोर यू केम ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट का है. बिफोर यू केम आई हैड कम. तुमसे पहले मैं आ चुका था. तो इस तरीके से हम यूज करेंगे. आगे देख लीजिए. आई रीच्ड देयर बिफोर मीटिंग हैड स्टार्टेड. मैं पहुंच गया था कब? बिफोर मीटिंग हैड स्टार्टेड, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले. क्लियर है यहां तक? आगे देख लीजिए. व्हेन पीएम came to the power, economy had improved. When PM, Prime Minister, जब Prime Minister power में आए थे, economy had improved, economy improved हो चुकी थी. आगे देख लीजिए.
बिफोर लता आई हैड टेकन फूड, लता से पहले मैं खाना खा चुका था। तो हमारे पास्ट में कितने काम हुए? दो काम कंप्लीट हुए, एक पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाएगा और दूसरा हम पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ यूज कर सकते हैं। चलिए आगे एग्जांपल के साथ देख लीजिए, अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जितने भी दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब दुश्मन जितने भी जो भी है यार, सबको प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। 101% अच्छे से सीखना है, बेटर तरीके से सीखना है और यही हमारा एक इंटेंशन है कि अवर टारगेट योर सक्सेस। हमारी इंटेंशन, हमारा मिशन, हमारा टारगेट आपकी कामयाबी चाहते हैं ना, तो प्लीज शेयर कर दीजिए। आगे देख लीजिए, सबसे पहले इसको समझ लेना है, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल टेंसेज हम कैसे बना सकते हैं। आपको देखना है ऑल सब्जेक्ट आई यू यू ऑल वी दे ही शी इट नेम रिलेशन लाइक दिस, इन सब के साथ में हम हैड का यूज करने वाले हैं, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसे, आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, माई फादर हैड, माई ब्रदर हैड, माई सिस्टर हैड, लाइक दिस, ऐसे इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, वैन आई रीच्ड एट होम, वैन आई रीच्ड एट होम माई ब्रदर हैड टेकन फूड, यहाँ पर क्या यूज किया गया, हैड, माई ब्रदर हैड टेकन फूड, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, जब मैं घर पर पहुंचा या पहुंचा था, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। माई ब्रदर हैड टेकन लंच, मेरे भाई खाना खा चुका था, क्लियर है यहाँ तक। आगे समझ लेते हैं, when I arrived in office, arrived means भी पहुँचना होता है, जब मैं ऑफिस में पहुँचा, अमन जा चुका था। आगे समझ लेते हैं, यानी अमन मेरा दोस्त है और मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आज जब मैं ऑफिस में गया ना, तो अमन तो था ही नहीं वहाँ पर, वो चला गया था, वो वहाँ था ही नहीं, तो अमन जा चुका था। दो काम हो रहे हैं पास्ट में, आप समझ सकते हैं सिचुएशन को और उसी के अकॉर्डिंग आपको बोलना है। आगे चलिए, when they arrived, जब वे पहुंचे थे, आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग, मैंने सीखना शुरू कर दिया था। आगे समझ लेते हैं, बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड ही हैड सेव डॉक्यूमेंट्स, एक मेरा दोस्त है वो कंप्यूटर चला रहा था ऐसे, ठीक है, तो कंप्यूटर उसका ख़राब होने वाला था, उसको पता लग गया था ना किसी तरह से आवाज़ कर रहा है, उसको पता लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड होने से पहले ही हैड सेव डॉक्यूमेंट्स, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लिया था। आगे समझ लेते हैं, बिफोर आई वेंट टू द मार्केट शी हैड परचेज द मोबाइल, मतलब एक मेरी फ्रेंड है, ओके, तो वो कह रहे थे कि चलिए हम मोबाइल लेना चाहते हैं, तो मोबाइल लेने के लिए गए, तो उसने कहा यस, बिफोर आई वेंट टू द मार्केट, मेरे मार्केट जाने से पहले, शी हैड परचेज द मोबाइल, वो मोबाइल खरीद चुकी थी या उसने मोबाइल खरीद लिया था। आगे समझ लेते हैं, दे हैड लेफ्ट द रूम बिफोर द मीटिंग फिनिश्ड, दे हैड लेफ्ट द रूम, उन्होंने रूम छोड़ दिया था बिफोर द मीटिंग फिनिश्ड, मीटिंग खत्म होने से पहले। आगे समझ लेते हैं, बिफोर लता हैड, यहाँ पर टू टाइम हैड आया है, हैड अ मील विद हया, एक जो हैड है यहाँ पर वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड थ्री वर्ब है, दूसरी हमारी एक्शन है, ये एक्शन की थर्ड फॉर्म है। जैसे कहते हैं ना, प्लीज़ हैव अ सिट, प्लीज़ हैव फूड, खाना ले लीजिए, सिट ले लीजिए, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या गया, मील किसको कहते हैं, खाने को कहते हैं, तो बिफोर लता ही हैड अ मील विद हया, तो लता से पहले मैं हया के साथ खाना खा चुका था, इस तरह की एक बात कन्वर्सेशन हमारी चल रही है, मतलब ठीक है। चलिए, आई विश आई हैड सेव्ड मोर मनी व्हेन आई वॉज यंग, काश, एक रिग्रेट हो रही है, जैसे सपोज करो अभी यंग एज में है तो हमें बहुत कुछ देखना है, सीखना है, तो अगर हमने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद में चल के एक क्या होगा, एक रियलाइज़ होगा हमें, और रियलाइज़ क्या होगा कि आई विश, काश आई हैड सेव्ड मोर मनी, काश मैंने बहुत सारे पैसे बचाए होते, सेव किए होते, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, इस तरह की एक सिचुएशन है और ये रिग्रेट, एक अफसोस हो रहा है। तो आप भी अगर जवान हैं और तो प्लीज़ पैसों को सेव करें। तो अगर आपको ये समझ आया है, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, हैड सभी में यूज कर रहे हैं, इंटरोगेटिव यानी पॉजिटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनाने हैं समझ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा हैड है, देन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हैड आई, हैड यू, हैड वी, हैड दे, हैड ही, हैड शी, हैड इट, हैड अमन, हैड माई फादर, हैड माई ब्रदर, हैड माई फ्रेंड, हैड माई सिस्टर, लाइक दिस, कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हैड यू कॉल्ड मी यस्टरडे, क्या तुमने मुझे कल कॉल की थी, क्या तुमने मुझे कल कॉल की थी, इस तरीके से क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। हैड आई स्लेप्ट, स्लेप्ट क्या होता है, स्लेप्ट मीन्स इज दैट के सोने को कहते हैं, एम आई राइट, तो इसको समझ लेते हैं सही से। चलिए अब ये सही से आपको शो कर रहा होगा, सही। हैड आई स्लेप्ट यस्टरडे बिफोर माई फादर अराइव्ड, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यार फादर जो है घर पर कब आए थे, तो मैं कह रहा हूँ यस हैड आई स्लेप्ट यस्टरडे, कल मैं सो गया था, बिफोर माई फादर अराइव्ड, मेरे फादर के आने से पहले या पहुँचने से पहले, क्लियर है। इस तरह Had she finished her work? क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया था before the guests arrived? मेहमानों के आने से पहले, ठीक है। Had you taken medicine? Medicine. कुछ students क्या mistake करते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं medicine. That is not medicine. That is a medicine. क्या बोलेंगे इसको, medicine. Medicine नहीं होगा, medicine होगा, ठीक है। क्या आपने, क्या आपने दवाई खा ली थी या क्या आप दवाई खा चुके थे, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। Had they come Before you, क्या वे तुमसे पहले आ चुके थे, ये किस तरह का क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। Had she taken admission before finished the last date, एक दोस्त है तो उससे उसकी टाइमिंग निकल गई थी और फिर मैंने उससे क्वेश्चन किया। Had she taken admission before finished last date, क्या तुमने एडमिशन ले लिया था लास्ट डेट से पहले, उसने कहा नहीं लिया था। आप कैसे बोलेंगे आगे, वो आपको आगे बताऊंगा। Had Aman solved the honesty, ये अमन कौन है, एक दोस्त है मेरा, जब मैं उससे मिला तो कुछ उल्टी सीधी बात करने लगा, तो फिर मैंने उससे पूछा क्या हुआ यार आपने अपनी ऑनेस्टी को बेच दिया क्या, तो कैसे पूछेंगे, हैड अमन सोल द ऑनेस्टी, क्या अमन ने अपनी ऑनेस्टी को बेच दिया है, ईमानदारी को बेच दिया है, इस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आए होंगे, अगर समझ आए हैं तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए आपको कैसा समझ आया, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरीफाई पास्ट परफेक्ट नेगेटिव हैड नॉट, सही सर चेक कर लो एक बार, सही चल रहा है, ओके। पास्ट परफेक्ट नेगेटिव, नेगेटिव का यूज कैसे करते हैं, और साथ ही है इंटरोगेटिव नेगेटिव, दोनों तरीके से इसमें पढ़ने वाले आप, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब और नॉट, क्लियर है यहां तक, कुछ इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैड नॉट, लेकिन जब इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे हैड और नॉट को, तो ये हो जाएगा हैडन्ट, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करें, आई हैडन्ट, यू हैडन्ट, वी हैडन्ट, दे हैडन्ट, ही हैडन्ट, शी हैडन्ट, लाइक दिस, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको लेटर को प्रोनंसिएशन रोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेटर, लेटर, लेटर नहीं होता है, I had not written a letter, written a letter. प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, प्रैक्टिस करेंगे तो टंग पे फिट भी हो जाएगा और प्रोनंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। I had not written a letter, मैं एक लेटर नहीं लिख चुका था या मैंने नहीं लिखा था। आगे I hadn't smoked, मैंने स्मोक नहीं की थी। ओके He hadn't told a lie, he hadn't told a lie, उसने झूठ नहीं बोला था। She hadn't backbitten, उसने चुगली नहीं की थी, लेकिन ज़्यादातर आपको पता होगा कि चुगली जो करते हैं ज़्यादातर कौन करते हैं, आंटीज़ वगैरह, बॉयज़ कम करते हैं लेकिन गर्ल्स बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है गाइस। तो क्या बोलेंगे, शी हैडन्ट बैक बिटन, आगे समझ लेते हैं। द पुलिस हैडन्ट रीच देयर बिफोर ही किल्ड हिम, पुलिस नहीं पहुंची थी उससे पहले, ही किल्ड हिम, वो उसको मार चुका था या उसने उसको मार दिया था, पुलिस के पुलिस जब तक वहाँ नहीं पहुँची थी उसने उसको मार दिया था, क्लियर है यहाँ तक। चलिए शी हैडन्ट एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन, चलिए उसने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। हैडन्ट द पेशेंट टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम,
क्या मरीज ने डॉक्टर के आने से पहले दवाई नहीं खाई थी, इस तरह का क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, हैडंट यू इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द डिसीजन अंटिल टुडे, अंटिल टुडे, क्या आपने अपने डिसीजन के बारे में अभी तक मुझे नहीं बताया था या आज तक मुझे नहीं बताया था, कोई इन्फॉर्म नहीं की थी, इस तरह का एक क्वेश्चन क्रिएट किया गया। ओके, हैड ही नॉट रीच्ड माई डेस्टिनेशन बिफोर द स्टॉर्म केम, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, आंधी तूफान, लाइक दिस। ओके, डेस्टिनेशन मंजिल, ठीक है, यस, हैडंट यू रीच्ड माई डेस्टिनेशन, क्या तुम मेरी मंजिल तक बिफोर द स्टॉर्म केम, तूफान आने से पहले क्या तुम मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचे थे, इस तरह का क्वेश्चन, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टंग पे सारे वर्ड्स फिट हो जाएंगे। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए इतने सारे एग्जाम्पल किसी वीडियो में नहीं है, आप पूरी यूट्यूब को देख लीजिए, 101% अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके टंग पे फिट हो जाएगा। चलिए लास्ट वन देख लेते हैं, वेरी फास्ट, कम ऑन टू एवरीवन, पास्ट परफेक्ट डबल इंटरोगेटिव एंड ऑल्सो नेगेटिव, क्लियर वाले हैं, ठीक है। वॉट वॉट हैड ही, ये डबल एच फैमिली से शुरू होते हैं, अगर आपने हमारी डबल एच फैमिली की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी डबल एच फैमिली की वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाए और आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है गाइज। चलिए, वॉट हैड ही डन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द वायरस, फ्रॉम द वायरस, वॉट हैड ही डन, उसने क्या किया टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, खुद के बचाव के लिए, फ्रॉम द वायरस, वायरस से बचने के लिए। ओके, आगे देख लेते हैं, When had you completed your graduation before you got a job? तुमने अपनी graduation complete कब की थी? Before you got a job, job मिलने से पहले। एक इस तरह का question किया जा रहा है, जैसे for example हम colleagues हैं, मैं भी इसी company में काम करता हूँ, मेरा दोस्त भी काम करता है, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, yes, आपने graduation कब की थी? Job मिलने से पहले, इस तरह का एक question मैंने किया। आगे देख लेते हैं, Why had they spoken truth before my testify? उन्होंने सच क्यों बोला था मेरी गवाही देने से पहले। आगे देख लेते हैं, Why had she done before the party started? उसने क्या किया था before the party started, पार्टी शुरू होने से पहले। Where had they traveled before they came here? उन्होंने कहाँ ट्रैवल किया था बिफोर दे केम हियर, उनके यहाँ आने से पहले। ठीक है गाइज, आगे देख लेते हैं, Who had completed the assignment? किसने असाइनमेंट कंप्लीट किया बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले, यानी टाइम से पहले। आगे देख लेते हैं, When had they realized their mistake? उनकी मिस्टेक उन्हें कब रियलाइज्ड हुई थी या रियलाइज हुई, कब महसूस किया उन्होंने अपनी मिस्टेक को, कब माना, एग्री किया अपनी मिस्टेक को। Why hadn't the student completed the assignment? स्टूडेंट ने क्यों कंप्लीट नहीं किया था बिफोर द टीचर केम इन द क्लास, स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट क्यों नहीं किया था टीचर के क्लास में आने से पहले। आगे समझ लेते हैं, लास्ट वन, व्हाई हैडंट शी डिसाइडेड टू क्विट बिफोर फाइंडिंग अ न्यू जॉब, व्हाई हैडंट शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड क्यों नहीं किया था, यानी उसने फैसला क्यों नहीं लिया था, डिसाइड क्यों नहीं किया था क्विट बिफोर फाइंडिंग अ न्यू जॉब, एक नई जॉब देखने से पहले। आई होप ये आपको पूरा समझ आया होगा, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप वीडियो को बार बार देखें, अगेन एंड अगेन देखें, वीडियो को पॉज करें, लिखें, लिखने के बाद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। बेटर करने के बाद एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी आप अपने बिजनेस को प्रोफेशनल बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं, पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारी क्लास है, हमारा पता है, ओखला हेड नियर तिकोना पार्क, जामिया नगर एट न्यू दिल्ली, जामिया यूनिवर्सिटी 21 नंबर गेट के पास ये हमारी एकेडमी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें ऑफलाइन क्लास, तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा है, नाइस टू मीट यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन यू टेक बी केयरफुल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।